चली जा रही है। जब मैं सुबह गुरुद्वारा जाती हूँ तो पता चलता है दीदी का शाम का शेड्यूल है गुरुद्वारे का। जब मैं सुबह जैन मंदिर जाती हूँ तो उसी दिन ममता बनर्जी शाम को जैन मंदिर पहुंच जाती है। दीदी देखिए, आप में और मुझ में यही फर्क है। मैं उम्र में और राजनीतिक वर्णन आपसे बहुत छोटी हूँ, मगर आपके देखा देखी प्रियंका तिबड़ेवाल का जमीर इस बात की गवाही नहीं देता कि वो सोलाना मस्जिद चली गई। आप मेरे देखे देखी मंदिर जा सकती है। हमने आपको सिखाया है कि हिंदुत्व जगा रहना चाहिए, लेकिन आपके देखा देखी मैं सोलाना मस्जिद ना कभी गई हूँ ना कभी जाऊंगी। मैं आप सबसे कहती हूँ, हर धर्म का सम्मान करिए, सब में सद्भावना होनी चाहिए, लेकिन किसी के धर्म के साथ राजनीतिक खिलवाड़ करना बहुत गलत है। अगर आप सम्मान रखती हैं तो मेरा इस मंच से आपसे एक क्वेश्चन है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने खुद अपने मुंह से कहा था कि ये लोग आपके लिए दूध देने वाली गाय है जिनकी आप लाद भी खाएंगी, तो दीदी दूध देने वाली गायों का आपने दूध लिया, दूध पिया, अब जब वक्त आया उसे लौटा देने का, बॉबी हकीम आपके बहुत खास हैं, आपके प्रिय हैं, आप कहते हैं पार्टी में बहुत बड़ा योगदान है, तो फिर क्यों 211 में बॉबी हकीम को आप मुख्यमंत्री नहीं बना सकती, बताइए, जवाब दीजिए। क्या वो इस लायक नहीं? ये हम नहीं कहते, ये कोई भी पूछेगा कि आप जब दूध ले सकती है, दूध पी सकती है, तो उनको क्यों नहीं ये अधिकार दे सकती? इतना स्वार्थ क्यों है? कुर्सी का इतना लालच क्यों है? मेरे बड़े भाई शुभेंदु अधिकारी जी ने अभी कहा कि ऑपोजिशन लीडर का जो इन्हें रोल दिया है पार्टी ने, अगर मैं जीत के जाती हूँ तो ये कुर्सी खाली करने को तैयार है। इसे कहते हैं बड़प्पन। हालांकि मैं अपने आप को शुभेंदु दा का अनुगामी कहती हूँ। आई एम दी फॉलोअर ऑफ शुभेंदु अधिकारी साहब, और इनके रास्ते पर चलना मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी, और इस बात को भवानीपुर की जनता साबित करेगी। जो रास्ता नंदीग्राम ने दिखाया है उसी रास्ते को आगे बढ़ाते हुए भवानीपुर की जनता फिर से एक बार उन्हें हराएगी। इसमें आप सबका साथ चाहिए। मुख्यमंत्री बहुत दुखी हैं, रोम घूम नहीं पाई, रोम जाने की बहुत इच्छा थी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, कोई भी देश से जब दूसरे देश में जाता है तो वो देश का गौरव बढ़ाने जाता है। आप रोम में जाकर अगर कोई आपसे पूछ लेता कि शांति का क्या संदेश लेके आई है, तो आप क्या कहती? 5 महीने पहले मेरे ही जगह पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है, मेरे मुख्यमंत्री रहते रहते सिर्फ 60 खून हुए, सिर्फ 30 औरतों का बलात्कार हुआ, कुछ माँ के बेटे माँ के पेट पे लटका दिए गए, कुछ औरतों से उनके बेटे छीन लिए गए, औरतों को विधवा बनाया गया, बच्चों को अनाथ कर दिया गया। ये है मेरा शांति पैगाम, ये है ममता बनर्जी का शांति पैगाम। इन सबको मद्देनजर रखते हुए, इन सारी चीजों पर गौर करते हुए भारत सरकार ने भारत की इज्जत बचा ली और उनको रोम जाने की अनुमति नहीं दी। एक चीज और मन में आती है, देखिए ये मेरा अहंकार नहीं, अभिमान नहीं, हालांकि मैंने दीदी का अहंकार उस दिन सुना जब हम एक मृतक शरीर उनके घर ले गए ये पूछने के लिए कि दीदी इसकी अनाथ बच्चियां अब क्या करेंगी। आप बताइए, क्योंकि आप खुद कहती हैं दीदी के बोलो, तो दीदी को बोलने ही गए थे, मगर उन्होंने क्या किया, हम पर केस कर दिया। और उससे भी ज्यादा दुखद, एक मृतक शरीर को, देह को उन्होंने सड़ा हुआ पोचा हुआ कुत्ता बताया। आप ये देखिए, 2 बार की मुख्यमंत्री किस तरह से बौखला गई हैं कुर्सी के लालच में, कि इंसानों में कुत्तों में कोई फर्क नहीं समझ रही। इससे भी बड़ी बात यह है
कि इनका सत्ता का जो लालच है वो आज इस कदर उनको पूरी तरह से बौखला चुका है कि जिसको उन्होंने कहा था बच्चा, उनके पार्टी के लोगों ने कहा था कौन है प्रियंका थिब्बेवाल हम जानते भी नहीं, इसे खाया जाता है या सर पर लगाया जाता है। मैंने कहा था 5 दिन दीजिए मुझे, 5 दिनों में वे सब जान गए। इसका सबसे बड़ा परिचय है आज एक ही स्टेज पर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, कार्तिक बनर्जी और पूरा परिवार उनके सारे कैबिनेट के साथ खड़ा कर दिया इस प्रियंका थिब्बेवाल ने। तो दीदी सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, महाभारत की लड़ाई में जब पांडवों से पूछा गया कि बताइए आपको क्या चाहिए, वो सेना जो इतनी पराक्रमी है, इतनी बड़ी है, या श्री कृष्ण की लागे सीता पांडव के जखन जिज्ञेस करा है तक पांडव की बोलते जे आमादेर के श्री कृष्ण लागे। श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन के सारथी बने और महाभारत की लड़ाई इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद कौरवों के पास वो हार गए। भारतीय जनता पार्टी के पास वो श्री कृष्ण मौजूद हैं जिसने ममता बनर्जी को वो हारा हराया है। आपना देश सकल को अनुरोध करी अभिमान ना दीदी बोले चेन हमार कान मुड़ते चाय, अरे दीदी जूतो दिए दीब हम तो बच्चा नहीं सुविधा नहीं, किंतु आमी दो हाथ जुड़े बोली पश्चिमबंग मानुष के न्याय दिन, पश्चिमबंग मानुष के एटुकु झेड़ा कर दिन जाते तारा जीवित थाकते पारे, एटुकु झेड़ा कर दिन जाते महिला के धर्षण ना होते पारे, एटुकु झेड़ा कर दिन जाते आपनार पार्टी जा दुष्कर्मी हरमद्रा आछे तारा अत्याचार ना करते पारे, एटुकु आमी चाइछि। यदि आपनी चान आमार कान 200 बार मुड़ते पारेन आमी एकबारो किछु बोलबो ना, কিন্তু ভবানীপুরের জনতাকে আমি বলি যদি আপনারা চান যে আমি সবসময় আপনাদের জন্য এই লড়াইটা করতে পারি তার জন্য আমাকে সেই অধিকার দিন, সেই ঝেড়া করে দিন। আমার পুরোপুরো বিশ্বাস আছে যে আপনারা অবশ্যই সেই ঝেড়া করবেন। কালকে প্রিয়াঙ্কা কেউ ছিল না, কেউ চিনত না, আজকে কিন্তু জনতার মাধ্যমে মানুষ আমাকে চিনছে, এটা সব থেকে বড় আশীর্বাদ, এটা আপনারা করে রেখেছেন। আর আমি বলি কোনো লড়াই ডিফিকাল্ট হয় না, যদি জনতা চায় কাউকে তুলে মাথায় বসিয়ে দিতে পারে, যদি সেই জনতা চায় মাথা থেকে নামিয়ে দিতে পারে। আপনারা সেই মমতা ব্যানার্জিকে ওনার যে লড়াই লড়াকু মেচা ছিল তার জন্য মাথার উপরে বসিয়েছিলেন, আজকে কিন্তু সে সময় এসে গেছে মাথা থেকে আপনারা কি করতে হবে সব কিছু আপনারা জানেন, নামিয়ে দিতে পারেন। এজন্য 30 সেপ্টেম্বর পদ্মফুল চিহ্নে 2 নম্বর বটন টিপে আশীর্বাদ করুন, 30 সেপ্টেম্বর কমল ফুল 2 নম্বর বটন আপনার আশীর্বাদ জরুর দিজিয়েগা। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, অধর্ম কা নাশ হো, অধর্ম কা নাশ হো, প্রাণিয়ো মে সদ্ভাব না হো, প্রাণিয়ো মে সদ্ভাব না হো। নমস্কার। बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में जो राज्य सरकार के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई लड़ी उसकी शुरुआत नंदीग्राम के सुरेंद्र अधिकारी जी ने कर दिया और भवानीपुर की जनता भी सुरेंद्र अधिकारी जी को यह आश्वस्त करती है यहाँ कि आपने नंदीग्राम में जो ममता बनर्जी को रास्ता दिखाया उसी रास्ते पर भवानीपुर की जनता चल के 3 तारीख के दिन भारी मत से हम प्रियंका केजरीवाल जी को विधानसभा पहुंचाएंगे। इसका अनुरोध करूंगा आगमी मित्रा कौल जी से, हमारी
आसन से दक्षिण की हमारे अध्यक्ष अनुरोध करूंगा, महिला मोर्चा की हमारी अध्यक्ष, महिला मोर्चा के हमारे जिला अध्यक्ष कृपया मंच पे आ जाए, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहन राव जी, भारत माता की नमस्कार। मंचे उपविष्ट भारतीय जनता पार्टी বিরোধী দলনেতা মাননীয় শুভেন্দু দা, যার নেতৃত্বে আমরা বিধানসভায় লড়ে চলেছি, মঞ্চে উপস্থিত বালুদা বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী মহাশয়, মঞ্চে উপস্থিত ভবানীপুরের লড়াকু নেত্রী এবং আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির ক্যান্ডিডেট প্রিয়াঙ্কা দিদি, মঞ্চে উপস্থিত আমার বিধায়ক দাদারা ভাইরা এবং আপনারা ভারতীয় জনতা পার্টি কার্যকর্তা মাতৃশক্তি এবং পথচলতি মানুষ, সবাইকে নমস্কার জানাই, বড়দেরকে প্রণাম জানাই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন নন্দীগ্রামে গেলেন, মমতা দিদি বললেন বাংলা নিজের মেয়েকে চায়। আবার ভবানীপুরে যখন এসেছেন, এখনো উনি বলছেন বাংলা নিজের মেয়েকে চায়, আর প্রিয়াঙ্কা দিদিকে বলছেন প্রিয়াঙ্কা দিদি নাকি বাইরে। চলেছে
কারণ কোনো ভুক্ষের নেই। আজকে সরকারি হাসপাতালে মেটারনিটি ওয়ার্ডে মায়েরা তার শিশুদের কোলে নিয়ে পা তুলে বসে রয়েছে। তাই এটাই বলার যে একটু ভাবুন, একটু চিন্তা করুন। আজকে স্টেজে যে মা বোনেরা ছিল, যে ছোট্ট বাচ্চা মেয়েটা ছিল যার বাবাকে খুন করে মারা হয়েছে, সে ক্যান্সারে মরেনি, সে করোনাতে মারা যায়নি, এই টিএমসি দুষ্কৃতীরা তাকে পিটিয়ে পিটিয়ে মেরেছে। আজকে বেড়ে ফাটার অভিজিৎ তাকে পিটিয়ে পিটিয়ে মারা হয়েছে। আজকে মগরা হাতের আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির ক্যান্ডিডেট মানুষ তাকে কাউন্টিং হল থেকে গোসলামে বেরোবার পর তাকে পিটিয়ে পিটিয়ে মারা হয়েছে। দুদিন আগে মানুষ তার মৃত্যু হয়েছে। এটা আপনার বাড়িতেও হতে পারে, তাই এটাই ভাবার যে আপনি কার পাশে দাঁড়াবেন। এই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি চোখের সামনে হাজার হাজার মহিলার অত্যাচার হয়েছে, বাড়ি ধ্বংস হয়েছে, উনি একটা প্রতিবাদের কথা বলেননি। ওনার কোনো অধিকার নেই মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার, কারণ উনি বাড়ি ভেঙেছে। আর আমাদের প্রিয়াঙ্কা দিদি আর সেই মহিলা সেই ভাইদের বাড়ি তৈরি করে দিয়েছে, বাড়িতে ফিরিয়েছে। সিদ্ধান্ত নেবার সময় আপনাদের, তাই বলি একটু চিন্তা করেন। 30 মে অবশ্যই ভোট দিতে যাবেন। এটা প্রিয়াঙ্কা দেবীকে বিধায়িকা বানাবার ইলেকশন নয়, এটা পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাবার ইলেকশন। পশ্চিমবঙ্গ যাতে আফগানিস্তানের মতো না হয়ে যায়। আফগানিস্তান আমরা চোখের সামনে দেখেছি, পশ্চিমবঙ্গকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে 30 অবশ্যই বুথে যাবেন এবং 2 বোতাম টিপে আমাদের প্রিয়াঙ্কা দেবীকে ভোট দেবেন, তাকে জয়ী করবেন। ভালো থাকবেন, আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ভারত মাতা কি, নমস্কার। সেটা এই সম্পর্কে যে কোনো আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে একটু সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাবস্ক্রাইব করলে পাশে নোটিফিকেশন বেলটিকে বাজিয়ে দিন, যাতে আমি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলে তার নোটিফিকেশন সবার আগে পৌঁছে আপনার কাছে। এবং আর রিকোয়েস্ট আপনার কাছে, ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে দিন, কারণ আপনার একটি লাইক আমাকে অনেক উৎসাহিত করে পরবর্তী ভিডিও আপলোডের জন্য।